नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंटा क्लॉज की। दोस्तों कई लोग मानते हैं कि सेंटा क्लॉज रियल है और कई लोग तो ये मानते ही नहीं कि सेंटा जैसी कोई चीज भी होती है। दोस्तों अमेरिका की ये बुक सेंटा की माँ का फेंटा जो 1869 ईस्वी में छपी थी, इसमें सेंटा क्लॉज के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, किताब में लिखा है कि सेंटा का जन्म 32 जनवरी 1320 में पंजाब के गांव लुधियाना में हुआ था। सेंटा की माँ अमेरिकन थी और बाप पंजाबी। तो सेंटा यानी संता ये पंजाबी का शब्द है और क्लॉज ये अंग्रेजी का शब्द है। तो दोनों माँ बाप ने मिलकर अपने बच्चे का नाम सेंटा क्लॉज रख दिया। कुछ भी। दोस्तों किताब में लिखा है कि सेंटा को बचपन से देने की आदत थी गिफ्ट। वो रात को लोगों के घर जाते और उन्हें देकर वापस आ जाते गिफ्ट। तो दोस्तों किताब में तो लिखा है कि सेंटा रियल है, लेकिन नासा के ये साइंटिस्ट जॉनीसेंस की खोज कुछ और ही बताती है। ये बताते हैं कि सेंटा क्लॉज रियल नहीं। अच्छा। जी हाँ, आप खुद जॉनीसेंस का ये वीडियो देखिए जिसमें उन्होंने बताया कि सेंटा रियल नहीं है। देखिए ये सब क्या देखना पड़ रहा है। एडिटर की माँ का भोसड़ा दोस्तों, गलत वीडियो चला दी उसने। आप ये वीडियो देखिए। दोस्तों मैं हूं नासा का साइंटिस्ट जॉनीसेंस। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेंटा क्लॉज जैसा कोई बुढ़ा नहीं होता। दरअसल जो गिफ्ट आपको क्रिसमस के अगले दिन आपके तकिए के पास पड़े मिलते हैं, वो गिफ्ट आपके माँ बाप ही रात को रखते हैं जब आप लोड़े बेच के सो रहे होते हो। कुछ भी। तो आपके माँ बाप ही आपको चूतिया बनाते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, 50-50 चांस है कि सेंटा रियल है या नहीं। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं मुन्नी के कोठे वाले, जहां पे आपको कम पैसों में अलग अलग टाइप की अंग्रेजी बिल्लियां मिलेंगी। आप जितना पैसा ज्यादा लगाओगे बिल्ली का छेद उतना ही छोटा होता जाएगा। अगर आप काउंटर पे बोलोगे कि मुझे ध्रुव ने भेजा है तो आपको 69% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अभी दोस्तों टॉपिक पे वापस आते हैं। दोस्तों सेंटा क्लॉज जिस बैलगाड़ी में सफर करता है उसे पूसो बोलते हैं। पूसो का अर्थ होता है सफेद दाढ़ी वाले बुड्ढे का भार खींचना। दोस्तों इस बैल के पैरों के नीचे इंजन फिट करे होते हैं जिसकी वजह से वो हवा में उड़ पाते हैं। अभी रिसेंटली में दोस्तों पता लगा है कि सेंटा बच्चों के लिए गिफ्ट दिल्ली के चोर बाजार से खरीदते हैं, क्योंकि वहां से गिफ्ट उन्हें सस्ते और अच्छे मिलते हैं। कुछ भी। 2019 में आई फोर्ब्स की लिस्ट से हमें पता चलता है कि दुनिया में सिर्फ 69% बच्चे हैं जिनको सेंटा देता है और 31% बच्चे ऐसे हैं जिनको सेंटा गिफ्ट नहीं देता। अभी दोस्तों पंजाबी सिंगर काका का ये गाना सुनिए। बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी। दोस्तों इस गाने में काका साफ साफ सेंटा क्लॉज की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बग्गा बिल्ला सेंटा क्लॉज को ही बोला जा रहा है। तो दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि काका सेंटा क्लॉज को क्यों बुला रहे हैं? क्या काका सेंटा के खबरी हैं? क्या काका की सेंटा से कोई दुश्मनी है? इसका जवाब तो अब दोस्तों काका ही दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको देने के बारे में और जानना है तो इसके ऊपर मैंने पहले से ही एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों अमेरिका की ये लड़की डेनी डेनियल्स, इसने एक इंटरव्यू में बताया है कि इसने सेंटा को देखा है। अच्छा। दोस्तों डेनी ने हमें बताया कि जब वो एक रात सो रही थी तो सेंटा भी उसके साथ आके सो गए और डेनी को मजा आने लग पड़ा। और जब डेनी ने पीछे मुड़ के सेंटा का चेहरा देखा तो सेंटा खिड़की से भाग गए। तो दोस्तों डेनी को लेने के देनी पड़ गई। तो दोस्तों डेनी ने हमें बताया कि सेंटा कुछ ऐसा दिखता है। तो दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद भी हम ये नहीं बोल सकते कि सेंटा 100% रियल है या नहीं। अब इस वीडियो को एंड करते हैं। हालेलुया।